नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास लाइव में, जिसमें हम साफ तौर पर आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आज अहम क्या हुआ है। और क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा था, हैदराबाद में जो है कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स विनोद राय से मुलाकात होनी थी, और विनोद राय की मुलाकात जो है वो भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली वहाँ पर मौजूद थे, हेड कोच मौजूद थे रवि शास्त्री, और उसके साथ साथ कई अहम सदस्य और मौजूद थे जिनमें एमएसके प्रसाद का नाम है, डायना एडुल जी हैं, विनोद राय तो वहाँ पर हैं ही, और इसके साथ साथ उपकप्तान रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट्स के और टेस्ट फॉर्मेट के अजिंक्य रहाणे वहाँ पर मौजूद थे। सर, सबसे पहले तो आप इस पूरी की पूरी जो बैठक हुई है, ये जो एक अर्जेंट कॉल थी, ये कोई प्री प्लान नहीं थी, पहले से इस तारीख को नहीं रखा गया था, किस तरह से देख रहे हैं आप? आपको क्योंकि इस बात को तो हर कोई मान रहा है आपकी कुछ ना कुछ दिक्कतें तो थी, थोड़े बहुत कम्युनिकेशन फेलियर्स हो रहे थे, और इस वजह से ही जो है ये एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। नहीं, एक अच्छा स्टेप है CoA द्वारा लिया गया, विनोद राय द्वारा ये मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रहे थे, जैसे करुण नायर ने बोला कि मुझे टीम में होना चाहिए था, या मुरली विजय ने कुछ स्टेटमेंट दी जो कि पहले इंडियन क्रिकेट में नहीं देखा जाता था। और इसका बहुत बड़ा एक रीज़न मैं देखता हूँ कि शायद अभी प्रॉपर बोर्ड के वहाँ पर नुमाइंदे नहीं हैं, ना ही प्रेसिडेंट हैं या सेक्रेटरी, जो अभी एक्टिंग हैं सब लोग, किसी के पास भी कंप्लीट पावर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं शायद वो कमी थी जिस वजह से ऐसा हो रहा है। और लेकिन अच्छी बात है कि CoA ने बुला के बता दिया गया, और सबको उनके रोल बता दिए गए कि ऐसे कमेंट नहीं किए जाएं जो पब्लिक में जाएं और जो BCCI को नुकसान पहुंचाएं। सर, हम हमेशा से ही कह रहे थे अगर धुआं उठ रहा है तो आग लगी ही होगी, और इंडिया न्यूज़ ने सबसे पहले दिखाया, सबसे पहले दिखाया था हमने। और दरअसल आप मानते हैं कि ये सब वहीं से शुरू हुआ जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहित शर्मा ने की एशिया कप को जीतने के बाद, उसके बाद हमने देखा कि हर खिलाड़ी को कहीं ना कहीं एक जो है बैकअप मिला, लोग बोलना आना शुरू किया, करुण नायर ने बोला, मुरली विजय ने बोला, शिखर धवन का भी एक हल्का सा नोटिस हुआ है कि उन्होंने ये बोलने की कोशिश की कि मुझे भी बाहर किया गया है बिना बताए। बिल्कुल, देखिए, और मुझे जो राजकुमार जी ने कहा मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूँगा कि घोड़े के ऊपर अगर लगाम ना हो तो घोड़ा फिर चाहे जिस दिशा में भागे आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस समय हालात कुछ वैसे ही बन रहे थे, अगर ये मीटिंग नहीं होती तो शायद घोड़े और तरफ भागना शुरू कर देते, तो लगाम लगाने की कोशिश है बेसिकली यहाँ पे। रोहित शर्मा पे भी लगाम लगाना था, क्योंकि वो शायद भूल रहे थे कि रेगुलर कैप्टन विराट कोहली हैं, उनको उनकी उनको रिप्लेस करके नहीं आए थे, वो उनकी जगह पर आए थे क्योंकि उन्होंने रेस्ट लिया था। पहले ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो विनोद राय ने वहाँ कम्युनिकेट की है कि विराट कोहली हमारे रेगुलर कैप्टन है, 2019 तक वो वर्ल्ड कप तक उनको और रवि शास्त्री को टीम की कमान दी गई है। ये बात रोहित शर्मा को भी समझना पड़ेगा, बाकी खिलाड़ियों को भी समझना पड़ेगा जो रोहित शर्मा के इर्द गिर्द एक जाल बुन रहे थे, एक ऐसी चीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे जिससे नुकसान इंडियन क्रिकेट को हो सकता था। तो मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी थी ये मीटिंग यहाँ पर लगाम लगाने की, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगाम अभी किसके हाथ में ही नहीं पता, लेकिन लगाम लगाने की कोशिश जरूर हुई है। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि रोहित शर्मा और विराट कोहली एक टेबल पे बैठे होंगे, अब क्या बातें हुई ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ वहाँ पर एक दूसरे से होगा, दोनों ने गर्मजोशी से बिल्कुल मिलाना चाहिए, कोई दुश्मनी थोड़ी हुई आपने आपने लेकिन आप देखिए ना, क्रोनोलॉजी अगर आप देखें तो दोनों का ट्विटर से एक दूसरे को फॉलो अनफॉलो करना, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान आना रोहित शर्मा का कि मैं कप्तानी के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं याद आता सर कि विराट कोहली ने कभी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के दौरान कहा हो, जबकि दुनिया जानती थी कि महेंद्र सिंह धोनी हटेंगे तो विराट बनेंगे, लेकिन दुनिया नहीं जानती है कि विराट हटेंगे तो कौन बनेगा। अभी इस बारे में आप 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते, शायद अश्विन बन जाए, शायद शिखर धवन को मौका दे दिया जाए, रोहित शर्मा भी हो सकते हैं, लेकिन विराट कोहली ने कभी ऐसा नहीं कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी जब हटेंगे तो मैं कैप्टनसी के लिए रेडी हूँ, जबकि दुनिया जानती थी। देखिए, ये मैच्योरिटी दिखाती है एक प्लेयर की कि वो कितना रिस्पेक्ट करता है अपने कैप्टन को, और उन्हें पता होता है कि मेरा क्या रोल है। और मेरा मानना हमेशा यही रहा है कि विराट ने हमेशा कभी भी वो ग्रीडी नहीं रहा कि मुझे कप्तानी चाहिए, उन्हें था कि अगर कभी टीम को ज़रूरत होगी, और आज भी वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे ज़रूरत नहीं है कि वो मैं कप्तानी रहूं, वो तो टीम में खेलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि टीम जीते और इंडिया नंबर वन रहे, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा कीन भी नहीं है कि मैं कप्तान रहूं। तो ऐसे प्लेयर को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्पेसिफाई किया CoA ने, बहुत अच्छी बात है कि रोहित को बताया गया कि आप मेकशिफ्ट एक वो थे, जब अरेंजमेंट थे, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट थे, जब आपके कैप्टन ने रेस्ट मांगा है तो आपको बनाया गया, और उसके बाद जब वो आ गए हैं तो नेचुरली वही लीड करेंगे, उसमें कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। इस बैठक में कुछ बातें आपको लगा ऐसी भी हैं जिन पर बहुत अहम फैसला आने की ज़रूरत थी, जैसे CAC का क्या हो रहा है, क्या वो जिंदा है, क्या वो
डिसओन कर दिए गए हैं बोर्ड की तरफ से, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्राविड़, माफ़ कीजिएगा, सौरभ गांगुली राहुल द्राविड़ की जगह, इतने बड़े नामों का आप कर क्या रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वो लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। और इस मीटिंग में अगर रोहित नहीं बुलाया गया तो एक चीज़ तो साफ है कि ये कमेटी अब मानती ही नहीं है, और मुझे लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर आई इस मीटिंग में, जो मुझे पता चला है कि एमएसके प्रसाद से विनोद राय और डायना ने बात की और कहा है कि सही तरीके से आप खिलाड़ियों को हैंडल करें, आप ये मत देखें कि आपने कितने मैचेस खेले कितने नहीं खेले, आप ये देखें कि आप एक ऐसी जगह बैठे जहाँ से आपको कंट्रोल करना है चीज़ों को। मैं एमएसके प्रसाद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, देवांग गांधी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और चीज़ें उनके हाथ से निकल रही हैं, तो यहाँ पर मामला मैच खेलने का नहीं है। जो मुझे लग रहा है उनके जहन में आता है कि मैंने सिर्फ 3 टेस्ट मैच और 12 वनडे खेले हैं, देवांग गांधी ने भी जितने मैच खेले हैं, मुद्दा 43 अंतर्राष्ट्रीय मैच है कुल पांचों के बीच में, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आप किस तरह से खिलाड़ियों को हैंडल करते हैं, आप बींग चीफ सेलेक्टर आप हैंडल नहीं कर पाए चीज़ों को, तभी इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ, क्योंकि इससे पहले तो मुझे नहीं आता था राजकुमार जी कोई खिलाड़ी सामने आया हो, कपिल देव तक ड्रॉप किए गए थे 1983 की टीम में, सिर्फ मैनेजर एक थे मान सिंह, उन्होंने पूरी की पूरी टीम को मैनेज कर लिया। अब ये चीज़ें अगर निकल के आ रही हैं तो इससे परेशानी आगे ना बढ़े, मुझे लग रहा है एक अच्छा फैसला इसीलिए इस मीटिंग में, और मुझे लग रहा है टेस्ट मैच में भी इसका असर नजर आएगा, पुराने विराट नजर आएंगे आपको फिर से पूरी ताकत के साथ, और वनडे सीरीज में भी आप देखिएगा एक अलग इंडियन टीम नजर आएगी, क्योंकि जिस बूस्ट की जरूरत थी, जो कहते नहीं है कि आप थोड़ी सी सफाई की जरूरत थी, वो सफाई आज हुई है, डीमोरलाइज भी हो रखी है कहीं ना कहीं। सर एक आखिरी सवाल बस, विराट कोहली ने जो मांग की है निश्चित तौर पर, अब वो खबर कहाँ से निकली कैसे निकली वो हमें नहीं पता, लेकिन साफ है कि विराट कोहली ने मांग की है कि मैं चाहता हूँ कि जो पत्नियाँ हैं वो पूरे के पूरे दौरे भर में हमारे साथ रहें, आप कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि विराट कोहली 4-1 से हार कर आ गए हैं और अब कह रहे हैं कि मुझे पत्नियों का साथ चाहिए पूरी की पूरी सीरीज में, हर खिलाड़ी के साथ उनकी पत्नी हो, तो इसको आप कैसे देखते हैं? रोहित, अगर आप और कंट्रीज की टीम देखें तो उनमें वाइफ्स तो छोड़िए गर्लफ्रेंड्स होती हैं उनके साथ पूरे टूर पे, तो ये कितना बड़ा इशू नहीं है। देखिए प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, उन्हें पता है कि अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम टीम से ड्रॉप हो जाएंगे, कोई भी फॉर दैट मैटर, कप्तान के भी खतरे की घंटी लटकी होती है, वाइस कैप्टन पे भी, और कोई भी एस्टैब्लिश्ड कितना मर्जी प्लेयर हो, अगर आप 2 मैच में या 3 मैच में अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, हमारे कंट्री में जैसे शॉर्ट मेमोरी है लोगों की और इवन सेलेक्टर्स की फॉर दैट मैटर, तो बहुत जल्दी ये सवाल या निशान उठने लग जाते हैं। तो ये कि वाइफ साथ में होंगी तो प्लेयर्स थोड़े से रिलैक्स्ड रहते हैं मैं कहूँगा, और दे कैन शेयर देयर लाइट मोमेंट्स विद देम, और मुझे कोई बुराई नहीं लगती इसमें, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर विराट ने ये डिमांड की होगी तो शायद ये पूरी टीम की ही डिमांड होगी, क्योंकि वो पूरी टीम को साथ लेकर चलते हैं। सर आप जाते जाते इस पर कंक्लूड करना चाहते हैं? देखिए मुझे, मैं राजकुमार जी की बात से सहमत हूँ, कोई हर्ज नहीं है अगर आपकी फैमिली ट्रैवल कर रही है आपके साथ, चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी फैमिली थी उनके साथ, चैंपियन बने, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। विराट कोहली के साथ अनुष्का थी तो 4 शतक भी लगाए उन्होंने, तो अभी भी तो देखिए, और वो मोटिवेशनल फैक्टर होता है जब आपको ग्राउंड पे सपोर्ट ना मिल रहा हो, आप ग्राउंड पे अच्छा ना कर रहे हो, तो कम से कम होटल रूम में कोई तो है जिससे आप शेयर कर सकते हैं बातें, आप क्रिकेटिंग बातें नहीं करेंगे, आप टेक्निक की बात नहीं करेंगे, बट टेम्परामेंट की बात आप ज़रूर कर सकते हैं यार, कि मैं यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसका सोल्यूशन वो शायद जो आपकी बेस्ट हाफ है वो ज़्यादा असर अच्छे तरीके से निकाल सकती है। तो रोहित शर्मा ने 2 दोहरे शतक ऋतिका के रहते हुए तो चलिए ये ऋतिका की तरफ फिंगर क्रॉस भी रखिए कि शायद ये मामला सुलट जाए, क्योंकि ऋतिका ऐसे ही करके रहती हैं जब तक वो बैटिंग करते हैं तो, लेकिन खैर चलिए। तो ये खास चर्चा थी कि आज हैदराबाद में क्या क्या हुआ, इससे पहले एक और मीटिंग हुई थी आईपीएल के दौरान ही, वो भी हैदराबाद में हुई थी, उससे भी कई सारे सॉल्यूशंस निकले थे, उम्मीद सिर्फ इतनी है कि ये जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है सबसे बड़ा फैक्टर जो है इस पूरी की पूरी बहस का, वो ये कि टीम इंडिया में एक तरह से बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही थी, उनका आधार क्या था, कहीं ना कहीं उसको एक ख़त्म करने की कोशिश की गई है और एक क्लियर मैसेज दिया है कि विराट कोहली 2019 तक भारतीय टीम के कप्तान रहेंगे और मुंगेरी लाल के जो सपने होते हैं, हसीन सपने, वो फिलहाल हर कोई देखना छोड़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद।